नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं चुनावी पंच। उत्तर प्रदेश की फिजा में राजनीतिक दलों की आवाजें गूंज रही हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी मतदाताओं को विकास गाथा सुना रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले केंद्र सरकार के विकास की हवा निकाले या उनकी चिर विरोधी पार्टी सपा के विकास के दावों की पोल खोले। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो देश को 2.5 साल में तरक्की के रास्ते में पहुंचाने वाली मोदी सरकार अपने कीर्तिमानों को कम बल्कि दूसरे दलों के घोटालों को ज्यादा गिना रही है। सारा लब्बोलुआब यह है कि चुनाव में फिर जुमलों की चाशनी चढ़ाई जा रही है ताकि मतदाताओं को आसानी से चिपकाया जा सके। और इसी क्रम में पीएम मोदी ने मेरठ में चुनाव प्रचार के दौरान स्कैम का जिक्र किया, जिसका जवाब आज अखिलेश यादव ने उन्हीं के तरीके में दिया है। आज इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देशबंधु के ग्रुप एडिटर राजीव रंजन श्रीवास्तव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये है कि इन जुमलों की बरसात आखिर क्यों हो रही है? क्या जो मौजूदा मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता चुनावों में क्या? देखिए, भारत का जो सामाजिक संरचना है उसमें मुहावरों और कहावतों के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। शुरू से मुहावरे और कहावतें जो हैं वो हमारे समाज में रची बसी हुई हैं, और उसी का जो एक दूसरा रूप अभी देखने को मिल रहा है वो जुमले हैं। जुमले ऐसा नहीं कि आज आए। जुमले अगर आप याद कीजिए, आज से 15 साल पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, उस समय एक शब्द आया था बिपाशा। उस समय विद्युत, बिजली, हाँ, बिजली, पानी और सड़क की बात हो रही थी। और आज अगर आज की बात मैं करूं तो आज विकास कहा गया। स्कैम से पहले, स्कैम तो कल कहा गया था, आज मोदी जी ने विकास की बात की। विकास मतलब उन्होंने विद्युत का से कानून और स से सड़क की बात की है। तो ये जुमले चल रहे हैं, और इन जुमलों का कितना, ये जुमले जो होते हैं खासतौर पर देखा जाए तो ये अस्थाई होते हैं, ये स्थाई तौर पे नहीं होते हैं। कहावतें और मुहावरे जो हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे दैनंदिन जो दिनचर्या है हम उसमें रचे बसे होते हैं। इसलिए वो आज पिछले कई वर्षों से, मतलब एक दो साल नहीं, 100 साल, 200 साल, 400 साल और कई सालों से, हजारों साल से हमारे साथ चलते आ रहे हैं वो। तो इसलिए अगर इसको जोड़ करके देखा जाए कि हाँ, ये मुहावरे, ये जो जुमले हैं ये चलेंगे आगे भी, वो नहीं चलने वाले। हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या ये जुमले जो हैं ये खास जो हमारा जो समाज है, जो मतदाता है, उसको रिझाने में काम आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे स्कैम की बात आप कर रहे थे, स्कैम पे कल उन्होंने, मोदी जी ने कुछ और कहा, आज अखिलेश यादव ने कुछ और कहा। अखिलेश यादव ने अखिलेश की स्कैम की परिभाषा जो है वो इस रूप में दी है कि सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। तो सब अपने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषाएं निकाल रहे हैं। एब्रिविएशन जो हो रहा है वो हो रहा है, संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं हिंदी में, वो हो रहा है। एक नए शब्दकोश बनाए जा रहे हैं। इस शब्दकोश में ये कह सकते हैं कि मोदी जी सबसे आगे हैं, क्योंकि इससे पहले, अगर 2-4 दिन पहले की बात करें, जब अखिलेश यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें राहुल गांधी ने 3P की बात की थी, जिसको जोड़ते हुए, और उन्होंने कहा था कि मोदी जी की भाषा में अगर बोलूं तो 3P। उसके बाद अखिलेश यादव जब माइक लिए तो उन्होंने कहा कि उसमें 1P मैं और जोड़ना चाहता हूं। तो सब, न सिर्फ मोदी जी, उसमें अखिलेश यादव, उसमें राहुल गांधी, सब जुड़े हुए हैं जो आज जुमले पे जा रहे हैं, संक्षिप्तीकरण में जा रहे हैं। लेकिन आप देखें इस सामाजिक संरचना को, जहाँ पे इतनी गरीबी है, जहाँ इतनी अशिक्षा है, इसको अगर आगे बढ़ाने पर लोग ध्यान दें, हमारी पार्टियाँ ध्यान दें उन बातों पे जो कि विकास का मुद्दा जो आप कहते हैं, तो विकास में न सिर्फ आपके आर्थिक विकास की बात होती है, विकास में आपका जो शैक्षणिक विकास होना चाहिए उसकी बात भी करनी चाहिए। ये अगर होता है तो फिर जुमले जो हैं कल को एक स्थायी रूप ले सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत सही कहा। लेकिन एक चीज़ ये बात आती है निकल के कि जहाँ पहले जब चुनाव होता था तो नेता जो है वो आम आदमी की बात करते थे, उनसे जुड़े मुद्दों की बात करते थे, और उस वो नेता जो है स्थानीय तरीके से लोगों से जुड़ा भी होता था। लेकिन अब जो नारे लग रहे हैं, जो जुमले बन रहे हैं, वो सीधे सीधे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि जो इवेंट कंपनी है वो मैनेज कर रही है राजनीतिक दलों को? बहुत सही सवाल है आसिफ, क्योंकि इससे पहले, अगर आज से 20 साल पहले आप देखें, तो उस समय जो, उस ज़माने में जो चुनाव होते थे, उस चुनाव में गांव का गांव, शहर का शहर जो है, या कार्यकर्ता इस ढंग से लगते थे कि ये उनके घर का एक उत्सव है। जो चुनाव होते थे वो उत्सव की तरह देखा जाता था, पटाखे लहराते थे, गाड़ियाँ जो हैं वो चली जाती थी, बहुत सारी चीज़ें, माइक बजते थे। हालाँकि चुनाव आयोग ने इस पर काफ़ी शिकंजा कसा, और उसके बाद जो स्थिति है, वो उस समय खर्चे, मुझको नहीं लगता है कि इतने जितने खर्चे आज हो रहे हैं उतने खर्च उस समय किए जाते
चाहते थे, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि जो जुमलों की अभी हम बात पीछे कर रहे थे, वो जुमले जो हैं वो जुमले तैयार ये नहीं कर रहे हैं, वो जुमले इवेंट करने वाले जो ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग तैयार कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये बोलिए, इससे जनता पर ये प्रभाव पड़ेगा। तो जो बाज़ार है, जो ऑलरेडी ये जो दुनिया है एक बाज़ार में तब्दील हो चुकी है, और उसमें जिस प्रकार बाज़ार में कोई प्रोडक्ट आता है और लोगों को लुभाने के लिए एक पर एक जुमले लेकर के आता है, उस तरह के जुमले यहाँ भी लेके आए जा रहे हैं ताकि आप ये देख पाएं कि लोगों को कैसे लुभाया जाए, लोगों की जुबान पर कैसे आए और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो। तो ये अगर विकास की ही लड़ाई है तो विकास इस हिंदुस्तान को और अपने राज्य को, अगर राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो राज्य को कैसे विकसित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ये एक जो फ्रेम होना चाहिए, गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को, उनकी उन्नति कैसे हो, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बात ये हो रही है कि किसी भी प्रकार से हमको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के बाद जुमले जो जैसे कहा जाता है, जो मैं पहले भी बोला, जुमले भुला दिए जाते हैं, वो अस्थाई होते हैं, वो भुला दिए जाते हैं, और फिर 5 साल तक कोई राज करता है, आपको लूटता है और आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर कि राजनीति विकास की होनी चाहिए, ना कि जुमलों की, स्कैम की। दरअसल देखा जाता है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के स्कैम गिनाते हैं, एक दूसरे की कमियाँ गिनाते हैं, ना कि अपनी बात रखते हैं कि उन्होंने कितना विकास किया। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है विकास की होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि मैंने इतना विकास किया है तो आपको इतना विकास करके दिखाना है। और यहाँ पर जनता से भी एक बात कहना चाहूँगा कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनके इलाके में या उनके उनके हित में जो बात करता है, उनके विकास की जो बात करता है, उनको ही वोट करें, ना कि जुमलेबाजी में फंस के वोट करें। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आज के लिए चुनावी पंच में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।